चैंपियन जीता है इंडिया, तीनों के तीनों वेट लिफ्टिंग में जीता है। सही है, लेकिन लेकिन रिजवान साहब उस बच्चे को हैट्स ऑफ है, और इनके प्राइम मिनिस्टर जो है जी जी। मोदी साहब उनको भी जनाब सलूट है कि उन्होंने फौरन फोन किया ना सिर्फ संकेत को, उसको कहा कोई बात नहीं, वो ब्रेक डाउन हुआ टीयर्स में, उसे कहते हैं तुम्हारा हाथ कैसा है, और ये जो सिल्वर है ये गोल्ड से बहुत कीमती है, तुम्हारा हाथ। मैडम मीराबाई चानू जो जिन्होंने मेडल विन किया है उनकी ये पहली कामयाबी नहीं थी, नेशन वाइड उन्होंने जितने भी कॉम्पिटिशन्स किए हैं उनमें उन्होंने विन किया है, बहुत बेशुमार मेडल्स उन्होंने अपने नाम। हम एज अ पाकिस्तानी तो हमें बिल्कुल भी तासुब नहीं है, हम तो हर किसी की खुशी में खुश होने वाली कौम है, तो अगर उन्होंने किया है, उन्होंने अपनी एफर्ट्स दिखाई हैं, उन्होंने हार्डवर्क किया है, तो उन्होंने जाहिर सी बात है ये मेडल हुआ है। पड़ोसी मुल्क भारत ने भी एक मेडल जीता है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो दो आज पाकिस्तान के खिलाड़ी नेशन थे, माहूर शहजाद पाकिस्तान की बैडमिंटन चैंपियन चैंपियन है, उन्हें पहले ही मैच में जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह पाकिस्तान के शूटर वो गुलफाम जोधफ वो भी जो है वो पहले ही राउंड में अच्छी कारकर्दगी थी, बहरहाल उनकी हौसला अफजा 9वें नंबर पर रहे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि कॉमनवेल्थ गेम के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी का पहला राउंड में प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन कोई भी अभी तक मेडल नहीं जीत पाया है। लेकिन वहीं पे पाकिस्तान के सभी मीडिया इस बात से खासा निराश है कि कैसे मीराबाई चन्नू ने भारत को पहला गोल्ड मेडल जिता दिया है और पाकिस्तान का कोई भी एथलीट इंडिया खिलाड़ी कंपेरिजन में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। इसी वजह से आगे देखिए मीराबाई चानू के गोल्ड मेडल जीतने पे पाकिस्तान के लोग एवं पाकिस्तान के मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान के पास तो इंडिया से भी ज्यादा टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तान के पास पाकिस्तानी खिलाड़ी के पास वो रिसोर्सेस नहीं है, पाकिस्तान के पास उतने पैसे नहीं है, इसलिए पाकिस्तानी एथलीट इंडियन एथलीट को बीट नहीं कर पाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, एक पाकिस्तानी तो यहां तक कह दिया है कि भारत इसलिए मेडल जीत रहा है क्योंकि उसके पास नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, दुआ से भी है कि उस टैलेंट की कदर हो, उसे प्रमोट किया जाए। मिन हैसल कॉम एज ए पाकिस्तानी हमें सोचना चाहिए कि हमारे कॉर्पोरेट जो CSR का पैसा यूज करते हैं, जो फंडिंग जो स्पॉन्सर्स देते हैं, वो सिर्फ एक खेल को क्यों जाए, सारे एथलीट्स को जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इसके लिए भी बोर्ड बनना चाहिए कि जितना भी कॉर्पोरेट फंड होता है स्पोर्ट्स के लिए उसको इक्वली डिवाइड करके सही तरीके से यूज किया जाए, सिर्फ एक खेल को सपोर्ट कर करके ना हमने अपने दूसरे खिलाड़ियों को बहुत पीछे छोड़ दिया। इस उम्मीद के साथ कि मजीद पैसा मिलेगा इन खिलाड़ियों को, स्पॉन्सर्स और सपोर्ट मिलेगी पाकिस्तानी। दोस्तों मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का परचम पूरी दुनिया में लहरा दी है, जिसके बाद देखिए मीराबाई चन्नू का चर्चा पाकिस्तानी मीडिया के ब्रेकिंग न्यूज से लेकर पाकिस्तानी आवाम में कैसे हो रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिल चुका है, मीराबाई चानू ने ये गोल्ड मेडल दिलाया है, 49 किलो कैटेगरी में ये गोल्ड मेडल जीता गया। दैट्स अ गुड अचीवमेंट, लेकिन ये बात यही है कि अगर हम पाकिस्तान को अगर हम अपने मुल्क को प्रमोट करेंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हम देखा जाए तो हमारे मुल्क में आमिर खान है जो बॉक्सिंग में, और बहुत ज़्यादा इस तरह के बहुत है, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है। गवर्नमेंट अगर हमको फैसिलिटेट करती है इस चीज़ पर तो हमारे मुल्क से भी बहुत अच्छे टैलेंट। सर ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है यार, बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चोद। पूरी दुनिया से क्रीम आई होती है, नीरज चोपड़ा ने अगर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता तो एक दिन में नहीं जीता, इतनी सारी ट्रेनिंग थी, इतना सारा हार्ड वर्क था, पूरी कॉम उसके पीछे खड़ी, उसका प्राइम मिनिस्टर उसके पीछे खड़ा, उसकी फेडरेशन उसके पीछे खड़ी, उसके पास एक से एक थ्रो करने का, आपका अर्शद नदीम मर गया ने क्या कह के, एक मुझे वो जैवलिन थ्रो का ले दो नहीं लिया, जूते ले दो नहीं लेके दिए, ट्रेनिंग दे दो नहीं देके दी, इंजर्ड हो गया किसी ने पूछा नहीं, ये मेंटालिटी है। इसमें फिर कहते हैं मोहसिन जो है शोर मचाता है। उस वो लड़की ने भी तो बोला ना, माहूर शहजाद ने, माहूर शहजाद ने कल आपको धागे खोल दिए, सच बोला उसने। इसमें मैंने आपके सामने बात की थी माहूर से। दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो पाकिस्तानी मीडिया एवं पाकिस्तानी आवाम का यही कहना है कि पाकिस्तान के पास तो टैलेंट बहुत है, लेकिन इंडिया की तरह उनके खिलाड़ी के पास पैसे नहीं है, उनके पास इंडियन खिलाड़ी की तरह फैसिलिटीज नहीं है। और तो पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना है कि जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट अपने खिलाड़ियों का अपने एथलीट का सपोर्ट करता है, उस तरह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तान का कोई भी खेल फेडरेशन पाकिस्तानी खिलाड़ी का सपोर्ट नहीं करता है। अब इस पाकिस्तानी लोगों को कौन समझाए कि तुम पाकिस्तानी और तुम्हारा गवर्नमेंट आतंकवाद को फंड देते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, खिलाड़ी को नहीं। इसलिए पाकिस्तान के पास जो टैलेंट है वो आतंकवादी बनते हैं और इंडिया के पास जो टैलेंट है वो मेडल जीतते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।